पुनाजा तहसील के ग्राम मथेला के कृषक पुत्र जब बैंक की नौकरी करते आंध्र प्रदेश के हरिकोटा एवं तिरुपति बालाजी जैसे देश के प्रमुख एवं धर्म से जुड़े प्रमुख स्थल से 18 किलोमीटर दूर सुलुरपेट पहुंचे तो वहां व्यापक पैमाने पर हो रही मोगरे की खेती ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने अपने ग्राम में भी इसकी खेती करने की ठान ली। केनरा बैंक में मैनेजर के पद पर सेवारत दीपक राठौर ने बताया कि सन 2018 में मेरा ट्रांसफर सुलुरपेट हो गया। वहाँ मोगरे खेती व्यापक तौर पर होती देखी तो मैंने वहाँ के कृषकों से मुलाकात की। उन्होंने तिरुथनी नामक शहर की नर्सरी से 5-6 रुपए नग से 1000 पौधे खरीदकर कार से 2 दिन में 1600 किलोमीटर की यात्रा कर गांव पहुँचा। इसी बीच मेरे द्वारा छोटे पैमाने पर रजनीगंधा के फूलों की खेती भी की गई थी। शादी विवाह एवं त्योहारों के मौसम में अच्छी मांग होने पर यह 600 से 800 रुपए प्रति किलो बिकता है। पुनासा से पदम सिंह की रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम दीपक राठौर है। वर्तमान में मैं एक राष्ट्रीयकृत बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ। 2018 में मेरा ट्रांसफर हुआ था आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर आकर देखा मैंने कि काफ़ी व्यापक पैमाने पर मोगरे की खेती की जाती है, जिसका उपयोग गजरा बनाने में या लड़ी बनाने में उपयोग होता है, मंदिरों में पूजा के लिए भी उपयोग होता है। तो मैंने विचार किया कि हमारे प्रदेश में भी क्यों ना हम इसकी खेती करके देखें, इसका उत्पादन करके देखें, क्योंकि हमारे पास भी मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, ओंकारेश्वर है, उज्जैन है, जहाँ पर महाकाल में तो मोगरे की हमेशा आवश्यकता होती रहती है। तो क्यों ना इसकी उपलब्धता जो है वो कम दाम पर, सस्ते दाम पर और ताज़ा मोगरा इसको उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितना मोगरा आता है उसका 95 होता है जो मंडियों में या दुकानों पर होता है, उसका 95% मुझे लगता है कि वो दूसरे राज्यों से आता है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं हमारे मध्य प्रदेश में इसकी खेती होते हुए। तो 3 साल पहले मैंने इसका प्लांटेशन करवाया था 1 एकड़ के लिए। उत्पादन अच्छा हो रहा है तीनों सालों से, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से मार्केट नहीं मिल पाया। अभी इस वर्ष अप्रैल से इसका उत्पादन हुआ है और इंदौर खंडवा में इसका मार्केट में अच्छी मांग है, इसकी अभी सप्लाई हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा लोकल किया जाए, आसानी से मंदिरों में या हमारे जो छोटे मार्केट हैं, जो शादी ब्याह में जो हमारे माता बहनों को जो लड़ी की मोगरी की आवश्यकता होती है, कम दाम पर और अच्छी क्वालिटी का उन्हें बहुत ही आसानी से इसकी उपलब्धता हो पाए, ये भी मेरा एक इसका जो है खेती करने का एक उद्देश्य है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।